अभी अभी पांच मिनट पहले की बड़ी खबर ईपीएस पेंशन को लेकर आज ईपीएफओ ने सुनाया अंतिम फैसला पेंशन धारकों को मिली बड़ी सौगात पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ के दो बड़े फैसले जारी उसके बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा देखिए पूरी रिपोर्ट नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम ईपीएस 95 पेंशन पेंशनधारकों आपकी ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर यहां पर बहुत बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है कि आज की लोकसभा की बैठक से पेंशन की यहां पर राशि ईपीएस की मिनिमम उसे बढ़ाने को लेकर यहां पर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अपडेट बताई जा रही है जो कि पेंशन की, की बढ़ोतरी को लेकर साथ में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है आपकी पेंशन को लेकर तो ईपीएफओ ने जो सर्कुलर जारी किया जिसमें ऐसी जानकारी आ रही है कि ईपीएफओ ने बढ़ाया ईपीएस की मासिक पेंशन को और यहाँ पर जो बैठक हुई पेंशन के प्रस्ताव को लेकर लोकसभा की उसके अंदर भी आपके लिए अर्जेंट अपडेट बताई जा रही है जो पेंशन धारकों को एक हजार रुपए पे की पेंशन मिलती है उसे अब बढ़ा करके कितना किया जाएगा तो यहाँ पर आपकी पेंशन ईपीएस की बढ़ोतरी से जुड़ी अभी अभी की यह बहुत बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है तो सभी पेंशन धारक इनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आप पूरा ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर लोकसभा की बैठक हुई आपकी ईपीएस पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जिसमें की मेडिकल सुविधाएं हायर पेंशन मिनिमम पेंशन है और साथ में पेंशन धारकों का डीए उसको लेकर यहाँ पर लंबी चर्चा चली उसके बाद क्या यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने ऐलान किया है और यहाँ पर वित्त मंत्रालय का जो पेंशन के प्रस्ताव को लेकर आखिर निर्णय किया हुआ है आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या तीस तारीख से पहले मिलेगी आपको पेंशन में बढ़ोतरी तो यह जानकारी आपके लिए सभी के लिए इनकी बहुत महत्वपूर्ण काम की खबर होने वाली है तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आप पूरा ध्यान से देखते रहिएगा साथ में इस तरह की बैठक से जानकारी भी आ रही है कि नया पेंशन के साथ में आपको नए पेंशन को लेकर नियम भी देखने को मिलेंगे नए नियमों पर भी सहमति बताई जा रही है तो यहाँ पर यह गुड न्यूज तो पेंशनधारक उनके लिए होने वाली है जो एक हजार रुपए पे की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशनदार के पिछले सात आठ साल से इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार सरकार अब खत्म करने जा रही है और पेंशन में यहाँ पर आपको बढ़ोतरी मिलेगी तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट ताजा पेंशन से जुड़ी अपडेट होगी वो भी सबसे पहले मिले और आप हमसे जुड़े रहे और अपने साथी पेंशनर से उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके तो चलिए जानते अब इस जानकारी को विस्तार से तो यहाँ पर साथ में यह भी ईपीएफओ के के सर्कुलर अनुसार जानकारी आ रही है कि अठोत्तर लाख ईपीएस पेंशन धार के उनके लिए पेंशन जो नया लिस्ट भी जारी हो चुका है उस लिस्ट के अनुसार आपको मिलेगी पेंशन जो कि एक हजार रुपए की जगह नया पेंशन अब आपको कितना मिलेगा जैसा कि पांच हजार रुपए का आपको पेंशन मिलेगा या फिर सात हजार सौ का आपको पेंशन मिलेगा या फिर नौ हजार का आपको पेंशन मिलेगा तो ये पेंशनर्स की प्रमुख मांगों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई थी आज की से लोकसभा की बैठक से तो उसके बाद यानी कि आखिरी क्या निर्णय हुआ है जैसे कि आपका वर्त लिमिट उसमें संशोधन किया जाएगा या फिर आपका मिनिमम ईपीएस का पेंशन मिलता है उसमें सीधा ही बढ़ोतरी की जाएगी जैसे कि छह हजार पांच सौ रुपए आठ हजार पांच सौ रुपए नौ हजार रुपये लागू किया जाएगा क्या साथ में आपको डीए मिलेगा या फिर नहीं तो आज की इस वीडियो में जानेंगे विस्तार से तो यहाँ पर आपको पता की इस तरह की पेंशनधारक है उनके लिए बल्ले बल्ले बताई जा रही है जो पेंशन धारक है उनके लिए गुड न्यूज की कर्मचारी संगठन के द्वारा यानी कि ईपीएफओ के द्वारा पेंशन नए नियम भी जारी हो सकते हैं तो कौन से नए नियम जारी होंगे जिसमें कि ईपीएस की पेंशन की, की बढ़ोतरी को लेकर सबसे पेंशन धारकों की प्रमुख मांग की मिनिमम पेंशन के साथ में पेंशन धारकों को डीए मिले और मेडिकल की सुविधा जिसको लेकर चर्चा लंबी चली उसके बाद इन नियमों से पेंशन धारको लाभ भी होगा और इनको लेकर चर्चा भी हुई है और सर्कुलर में भी ईपीएफओ ने कहा कि ईपीएफओ के अंदर भी पेंशनर्स की प्रमुख मांगे उनको लेकर तैयारियां जारी हैं तो यहाँ पर आपको फिलहाल पेंशन कितनी मिलेगी उसको लेकर सरकार पच्चीस हजार रुपए का क्या इसे अंतिम वेतन के अनुसार गणना की जाएगी तो नए पेंशन के फॉर्मूले को लेकर भी जानकारी नया पेंशन का फॉर्मूला होगा जिसके अनुसार पेंशन की गणना की जाएगी इसके लिए क्या आपका यहाँ पर सेवा काल रहेगा और इसमें आपको

सरकार के द्वारा धारकों को, को आश्वासन के बाद समीक्षाएं जारी हो चुकी है लोकसभा की बैठक हो या फिर संसद के अंदर हो या फिर गुड न्यूज देखने को मिलेगी साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि की 9000 प्लस प्लेस की पेंशन को लेकर भी सहमति बनती नजर आ रही है ऐसी भी जानकारी आज बताई जा रही है और आप सभी यानी रोज भी सुन रहे हैं कि पेंशन आपकी 9000 प्लस डी मिलेगी और साथ में आपको मेडिकल लाभ मिलेगा तो इसको लेकर भी तैयारी इस तरह की यानी सर्कुलर के अंदर जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिसमें कि 9000 प्लस डीए और सात हजार पांच सौ प्लस डीए में से कोई भी लिमिट लागू की जा सकती है इसको लेकर ईपीएफओ ने भी कंफर्म नहीं किया है कि आपकी कितनी पेंशन लागू की जाएगी जिसको लेकर तैयारी की जा रही है या फिर आपका वर्तन लिमिट बढ़ेगा तो यहाँ पर जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार निकलकर सामने इस तरह की है कि नौ हजार प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी ईपीएफओ तैयारी कर रहा है और यहाँ पर नोटिस भी जल्द जारी हो सकता है पेंशन जुड़ा जो प्रस्ताव था उसको लेकर तो फिलहाल पेंशन भोगी उनके लिए इस तरह की ताजा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली अभी कन्फर्म सरकार ने अपडेट जारी नहीं किया है कि आपको पेंशन अब एक्चुअली कितनी मिलेगी वर्तमान में बात करें दो हजार चौदह का संसद उसके अनुसार आपको पेंशन वर्तमान में एक हजार रुपये की पेंशन मिलती है और साथ में पेंशन धारक मांग कर अब एक हजार रुपये की जो पेंशन मिलती है उसे बढ़ा करके सा हजार पांच सौ रुपये करे दो हजार चौदह का, था। उसे पहले 4500 का था। उसे किया और अधिकतम सात हजार पांच सौ रुपए लागू किया गया था लेकिन अब पेंशनधारक उनकी मांग ये की जा रही है सरकारी आवेदन लिमिटे पंद्रह हजार रुपये का उसे खत्म करके नयातन लिमिटे इक्कीस पच्चीस हजार रुपए लागू करे जैसे कि नए कर्मचारी पेंशनधारक वो भी जुड़े और यहाँ पर पुराने जो इसके सदस्य उनको भी अच्छा लाभ मिले लेकिन अब ईपीएफओ ने और सरकार ने कन्फर्म अभी तक नहीं किया है है समीक्षा जारी ऐसी जानकारी कि लिमिट या फिर मिनिमम पेंशन को लेकर जल्द आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पेंशन भोग की न्यूनतम मासिक पेंशन को जो वर्तमान में एक हजार रूपए की मिलती है उसे बढ़ाकर के सात हजार पांच सौ रूपये करने को चेतावनी भी दी है समिति ने श्रम मंत्रालय को पंद्रह दिनों का नोटिस भी दिया ऐसी भी जानकारी यहां पर बताई जा रही है जो पेंशन धारकों ने श्रम मंत्रालय को पहले प्रस्ताव सौंपा जिसके अंदर पेंशन धारकों को जवाब में श्रम मंत्रालय के द्वारा भी पत्र में इस तरह का कहा था कि कर्मचारी पेंशन धारक है जो केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की राशि वर्तमान में बहुत कम है उसको लेकर सरकार समीक्षा करेगी महत्वपूर्ण कदम उठाएगी साथ ही मेडिकल की सुविधा को लेकर भी मांगी गई थी पेंशन धारक उनके द्वारा तो ये भी उनको प्रस्ताव के अंदर यानी कि पेंशन धारकों ने मांग शामिल की है और श्रम मंत्रालय से भी इस तरह की जानकारी दी गई कि जो मेडिकल की सुविधा है उसको लेकर भी सरकार है बदलाव करेगी जो कि वर्तमान में सीमित सुविधाएं और इसके कारण पेंशन भोगी उनको बुढ़ापे के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है तो यहां पर सरकार इन नियमों को लेकर यहां पर जल्द आप सभी के लिए बहुत बड़ा इनकी कि गुड न्यूज़ कह तो रात भर अपडेट जारी कर सकती हैं तो पेंशन धारकों ने यह भी मांग की है कि मेडिकल की सुविधा जिसमें की बच्चे पेंशन से उसके यानी पत्नी उनको भी साथ में इसका फायदा दिया जाए तो इस मांगों को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आपको बता दें कि पेंशन के प्रस्ताव को लेकर एनएससी के अध्यक्ष ने भी कहा है कि पेंशन धारक उनको कुछ समय धैर्य बनाए रखना होगा ताकि सरकार उचित बदलाव कर सके पेंशन में जिससे कि बुजुर्ग लोग उनको आगे आने वाले समय में एक अच्छी पेंशन मिले उनका भविष्य सुरक्षित हो सके तो सुहाँ पर पेंशन से जुड़ी इस तरह की जानकारी मिली है तो यहाँ पर आपको कौन कौन सी अन्य सुविधाएं मिलती हैं जैसे कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको कब पेंशन मिलती है ईपीएस पेंशन की आखिर क्या विशेषताएं होने वाली हैं जैसे कि अगर आप अठावन साल की आयु कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर दस साल की नौकरी करने के बाद यहाँ पर आप योगदान शुरू कर सकते हैं तो शुरू करने के बाद यानी कि अठावन साल की आयु के बाद आप पेंशन लेना शुरू करेंगे अगर आपको इनकी पैसों की जरूरत है पर बेरोजगारी के कारण आप पचास वर्ष की आयु से भी पेंशन ले सकते हैं यहाँ पर आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी उसके लिए फॉर्म दस डी आपको भरना होता है तो सेवा के दौरान सद्य की स्थायी पूर्ण विकलांगता पेंशन भी इसमें आपको मिलती है जैसे कि बुजुर्ग सदस्य वो विकलांग या उसको जैसे कि विधवा विदुर पेंशन भी इसमें आपको मिलती है यह भी शामिल है और सदस्य की यानी कि पेंशन भोगी उसका मृत्यु होने पर पचीस वर्ष की आयु में एक वर्ष में यानी कि दो बच्चों के लिए बाल पेंशन भी इसमें शामिल है तो इस तरह की कि आपको इसमें फायदे देखने को मिलते हैं विकलांग पेंशन है और अनाथ के बच्चे उसके लिए विकलांग पेंशन है तो इस तरह की यानी कि पेंशन में आपको सुविधाएं मिलेगी तो यहाँ पर पेंशन जुड़ी इस तरह की फिलहाल ताजा जानकारी आज दिन भर की होने वाली है तो इस तरह की और नई ताजा जानकारी और नए अपडेट पेन तो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को दबा देना है ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई ताजा अपडेट भी देखने को मिलती रहे तो एक और ऐसी नई ताजा जानकारी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जाए